एनएसयूआई द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन, भारतीय जनता पार्टी पर साधा गया निशाना। आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। आप सभी को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यूथ कांग्रेस शहर रीवा का अध्यक्ष हूं। जो मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है उसका पूरी तरीके से एकदम संघर्ष के साथ यूथ कांग्रेस इस किसान के मामले को लेकर, जो आज देश का किसान लगातार 42 दिन से इस ठंड में वहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, इतनी बारिश के बाद भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कान और आँख दोनों चलने बंद हो चुके हैं, जिसके बाद आज हमारे देश का जो अन्नदाता है, जो इस देश के पेट भरने वाले लोगों का अन्नदाता है, वो आज लगातार 42 दिन में 52 किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी मोदी सरकार जो है जागने का काम नहीं कर रही, और इस काले कानून से किसान ख़त्म हो जाएगा, जिसका यूथ कांग्रेस आने वाले समय में रीवा में जो 12 तारीख को किसान सम्मेलन होने जा रहा, उनके कंधे से कंधा मिलाकर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। आज जो है कल मंजुल त्रिपाठी जी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नए जिलाध्यक्ष बने हैं, और आज हम सभी युवा साथियों की तरफ से किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की इस जिले से भागीदारी हो, और 12 तारीख को किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। अगर केंद्र की भाजपा सरकार जल्द से जल्द किसानों को मांगों को नहीं मानती है तो रीवा जिले से युवा दिल्ली के लिए कूच करेगा और उस किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, क्योंकि किसान जो होता है अन्नदाता होता है और देश का हर व्यक्ति उस पर आश्रित होता है, क्योंकि किसान जब तक अन्न नहीं उगाएगा तो किसी का जीवन संभव नहीं है। और वही किसान जिसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, वो किसान आज खेतों में काम करने की बजाय सड़क पे बैठा हुआ है। पिछले 2 महीनों से सड़क पे संघर्ष कर रहा है, और देश केंद्र की भाजपा सरकार और तानाशाही नरेंद्र मोदी जी के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का किसान जो एक प्रमुख अंग है, हमारा कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में किसान जो है सड़क पर उतर के अपने पूरे परिवार के साथ बैठा हुआ है। यह गठन जो है नए जिलाध्यक्ष के ऊपर दायित्व है, वो अपनी कमेटी का गठन पूरे जिले के अंदर करेंगे। पुरानी कमेटियां जो भी कॉलेज कमेटी थी, वार्ड कमेटी थी, विधानसभा कमेटी थी, ब्लॉक स्तर पे जो भी कमेटियां थी, वो पुरानी कमेटी ने पार्टी गाइडलाइन के अनुसार भंग हो गई ज़्यादा, लेकिन 1500 से ऊपर युवाओं के शामिल होने की संभावना है कार्यक्रम में। और उसके साथ ही अगर केंद्र की भाजपा सरकार उन किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो बहुत जल्द रीवा से युवाओं का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा और उन किसानों के आंदोलनों में साथ में कंधा से कंधा मिला के लड़ाई को लड़ेगा। यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जुबेर खान प्रिंसू जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही संगठन द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीरज कुंदन जी, प्रदेश प्रभारी नीतीश गौर जी, प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पूर्व अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वय अध्यक्ष आदरणीय गुरमीत सिंह मंगू भैया, श्री भगत शुक्ला जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी अनुशंसा पर मुझे आज ये दायित्व मिला है, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है उस पर मैं खरा उतरूं। और आप सभी से भी निवेदन है, जिस तरह आपने एनएसयूआई को पहले भी प्यार दिया है, आगे भी ऐसे देंगे। मैं सभी छात्रों से ये अपील करूंगा, 12 तारीख को कांग्रेस द्वारा जो किसान आंदोलन किया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और इसके बाद एनएसयूआई अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं
तो दिल्ली के लिए कूच करेगी सभी छात्रों के साथ और सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।